ग्लोबल एंटरप्राइज की तरफ से आप सबका मैं डॉक्टर कौशल पवार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। चर्चा की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे आरक्षण पर। आरक्षण पर चर्चा करने से पहले मैं तमाम जो पूरे विश्व में कोरोना वायरस की वजह से जो लोग मारे गए और जो प्रकृति आपदा से मारे गए, अभी पिछले दिनों प्रवासी मजदूर जो 16 प्रवासी मजदूर थे वो मालगाड़ी के द्वारा मारे गए, और तमाम जितने भी हमारे जो मजदूर भाई हैं, मजदूर बहनें हैं, बच्चे हैं, मैं उन सबको अभी पिछले दिनों आंध्र प्रदेश की भी घटना जो गैस रिसाव से हुई उस पर भी जितने लोगों प्रभावित हुए और जितने लोग हमारे बीच में से नहीं रहे, मैं उन सबको श्रद्धांजलि आदरांजलि अर्पित करती हूँ। आज का जो विषय है उसमें चर्चा करने के लिए आज हमारे सामने हैं प्रोफेसर राजेश वैद, माननीय देव कुमार जी, डॉक्टर प्रेमचंद जी, और हमारे साथ बाद में जुड़ेंगे डॉक्टर राजकुमार वेरका जी। मैं तमाम पैनलिस्ट का ग्लोबल एंटरप्राइज की तरफ से आप हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। रंजीत बौद्ध जी की तरफ से भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वच्छकार समाज की आवाज यूट्यूब चैनल की तरफ से भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी डॉक्टर ऋचा राज से। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, बहुत एक्टिव हैं, एजुकेशन पे आपका काम लगातार चलता रहता है। हम ना केवल आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के रूप में देखते हैं, बल्कि एक एक योद्धा की तरह आप लड़ते हुए हमें दिख रहे हैं। डॉक्टर ऋचा राज जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि जो आरक्षण का जो मुद्दा है वो पूरा किस तरीके से आप इसको देखती हैं, और खासकर क्योंकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हजारों टीचर हैं और तमाम विद्यार्थी हैं। आज जो ऑनलाइन का सिस्टम भी आपके सामने एक मजबूरी बस लगा लीजिए, या हमारी जो नीतियां हैं संस्थाओं की उनके माध्यम से लगा लीजिए, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। आप हमें समझाएं कि ये पूरा का पूरा जो रिजर्व कैटेगरी का कैसे ऑनलाइन से प्रभावित होगा, या आपके विश्वविद्यालय में कैसे इन चीजों को आप देखती हैं। ऋचा राज जी, धन्यवाद कौशल पवार जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए। देखिए, जो पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें जब आरक्षण की जब बात करते हैं, तो कई तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं, जो पिछड़े वर्ग के से आते हैं, वन टू वन इंटरेक्शन टीचर्स के साथ उनका कई तरीके से मदद करता है, ना कि सिर्फ एकेडमिकली लेकिन सोशली भी और साइकोलॉजिकली भी। जैसे कि क्योंकि मैं सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, मैं इतिहास पढ़ाती हूँ, तो कई जब हम दलित मुद्दे, कास्ट क्वेश्चन, कास्ट के बारे में बात करते हैं क्लास में, और डिप्रेस क्लासेस या शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं या शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं, तो जो स्टूडेंट्स इन सेक्शन से आते हैं, या इवन जेंडर, अगर हम जेंडर की भी बात करते हैं, जो विमेन फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो भी एक कॉन्फिडेंस फील करती हैं जब वन टू वन उनका इंटरेक्शन होता है टीचर्स के साथ, और एक क्लास का में जो पर्सनल एक स्पेस बन जाती है, वो मेरे हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन में नामुमकिन है। ऑनलाइन एजुकेशन में जो है वो एक रोबोटिक तरीके से पढ़ाया जाता है, जो एक सेट कंटेंट होता है, और जहाँ पे एक लिबरल डिस्कशन की स्पेस बहुत कम होती है। तो जो कॉन्फिडेंस एक बच्चा जो पिछड़े वर्ग से आता है, या अगर हम डिप्राइव सेक्शंस की बात करें, तो फीमेल या यू नो अदर अदर जेंडर से भी अगर कोई आता है, ट्रांसजेंडर एक्सेट्रा, तो जो वो वहाँ पे कंफर्टेबल स्पेस पाता है क्लासरूम में, वो ऑनलाइन एजुकेशन में मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये कि हम जब ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, और साथ ही साथ में अगर हम ये रिजर्वेशन की भी जब बात करते हैं, तो कई डिबेट्स ऐसे हैं जो रिजर्वेशन के खिलाफ भी बात करते हैं, जिसमें कि एक मुद्दा आता है मेरिट का, कि स्टूडेंट को मेरिट के हिसाब से सीट मिलनी चाहिए या जॉब में भी मेरिट के हिसाब से मिलनी चाहिए। लेकिन ये मेरा मानना है कि मेरिट कैसे बनती है? मेरिट तब बनती है जब बच्चे में टैलेंट के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी हो, और उसके साथ साथ उसके सामने रिसोर्सेज अवेलेबल भी हो। जब किसी बच्चे में ऐसी अपॉर्चुनिटीज या रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगी, जब एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, तो उस बच्चे के लिए मेरिट कैसे बनेगी? और ऑनलाइन एजुकेशन तो इसमें
ना तो बच्चे का टैलेंट इम्प्रूव कर सकता है, ना उसको एडिशनल रिसोर्सेज दे सकता है, और ना ही अपॉर्चुनिटीज दे सकता है. क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? एक गुड इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी. एंड नॉट जस्ट गुड इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी, हम कह सकते हैं कि आजकल सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, तो सबके पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है. लेकिन एजुकेशन में एक मोबाइल फोन का होना ही ऑनलाइन एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता. आपको घर पे एक कंप्यूटिंग डिवाइस चाहिए. एंड अकॉर्डिंग टू एक नेशनल यू नो सर्वे सैंपल के स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से, जो 2014 की अगर आप स्टेटिस्टिक्स लें, तो उसमें 27% ऑफ हाउसहोल्ड्स में कम से कम एक ना कोई मेंबर है जिसके पास मोबाइल है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके लिए इंटरनेट एक्सेसिबल है. तो मतलब अगर आप इफेक्टिवली देखें कि किनके घर में एक्चुअली कंप्यूटिंग डिवाइस है, तो वो सिर्फ 12.5% ही होगा. और उसी उसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब ये भी है कि बच्चों का घर में वैसा माहौल मिलना चाहिए कि जहाँ पे स्ट्रिक्टली ऐसे आवर्स हों जहाँ पे वो पढ़ाई कर सके. अब कई ऐसे बच्चे हैं जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, या डिप्राइव अदर डिप्राइव सेक्शंस मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं, जिनके लिए स्कूल या कॉलेज ऐसा वो स्पेस होता है जहाँ पे घर की मुश्किलें, घर की परेशानियों से उनको निजात मिलती है, जहाँ पे वो ज्यादा कंफर्टेबली एक फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ पाते हैं. तो अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन इन बच्चों के लिए भी बोलेंगे कि आपके पास ये ही एक तरीका है अवेलेबल ऑनलाइन एजुकेशन का, तो घर में क्या वो अपने माँ बाप का की मदद करेंगे उनके नौकरी के साथ साथ में? या लड़कियों की बात करें तो क्या घर के कामों से क्या उनको वो छुट्टी मिलेगी कि वो बैठ के अपनी क्लासेस कर सके या ऑनलाइन क्लासेस कर सके? तो बात यहाँ पे जब हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होगा डिप्राइव सेक्शंस पे, तो हमें ये भी बात करना चाहिए कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चों को वैसा एक होलिस्टिक माहौल मिलेगा कि नहीं मिलेगा. और मुझे ये लगता है सोशली और साइकोलॉजिकली, एकेडमिकली तो छोड़ो ही, डेफिनेटली क्वेश्चंस हैं क्वालिटी को लेके हैं कि आप क्वालिटी कैसी होगी, कितना आप रेगुलेट कर पाएंगे उस एजुकेशन की क्वालिटी को. बट उसके अलावा मेरे हिसाब से जो ज्यादा जरूरी है वो सोशली एंड साइकोलॉजिकली आप बच्चों को कैसे एम्पावर कर पाओगे थ्रू एक जो एकदम एक रोबोटिक तरीके की जो एजुकेशन है उसके उसके थ्रू. तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो चैलेंज करता है इस सरकार की. अभी जो बजट स्पीच हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर का कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू डिप्राइव सेक्शंस के बच्चों को एक्सेस करना चाहते हैं, बट मेरे हिसाब से जो डिप्लोमास भी वो देंगे, अब तक जो हमने देखा है कि जो 7 यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं, उसमें ज्यादातर डिग्रीज नहीं है, वो बैचलर्स और मास्टर्स के डिप्लोमास हैं, नॉट डिग्रीज. फॉर एग्जाम्पल एमटी यूनिवर्सिटी नोएडा में अलाउ किया है ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम के कोर्सेज ऑफर करना. उसमें एमटी ने 24 कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि करीब 10 कह सकते हैं डिग्री के हों और 14 जो है वो डिप्लोमाज हैं. तो क्या ये डिग्री अगर मान लो कोई बच्चा कर भी लेता है ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेस, तो जब उसको डिप्लोमा मिलेगा तो क्या वो उसे जॉब रेडी हो पाएगा, कैंडिडेट होगा? क्या वो जो बाकी रेगुलर टीचिंग मोड के जो बच्चे पढ़ के आएंगे, क्या वो उनकी बराबरी कर पाएगा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में या जॉब सेक्टर में? तो ये सारे इश्यूज हैं डेफिनेटली. इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है, क्वालिटी का मुद्दा है, सोशल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा बच्चों के ऊपर, उसका भी बहुत बड़ा मुद्दा है जो सरकार को सोचना चाहिए ऑनलाइन एजुकेशन के एजेंडा को पुश करने से पहले. जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ऋचा. अब हम चलते हैं देव कुमार जी. देव कुमार जी, आप कानपुर से आते हैं और आज की इस चर्चा का जो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है वो ये भी है कि हमारे साथ पंजाब, हरियाणा और यूपी और साथ में दिल्ली, तो 5 एक तरह से जाने माने स्टेट जहां से पूरी की पूरी राजनीति, पूरी की पूरी नीतियां घूमती हैं, वो सब हमारे साथ हैं. और जो दर्शक है हमारे वो पूरे ग्लोबल मिड क्राइस चैनल के माध्यम से इस पूरी डिस्कशन को देख रहे हैं, तो मैं सबका आभार भी व्यक्त करती हूँ. देव कुमार जी, आप लेखक हैं, कवि हैं, चिंतक हैं, इसके साथ साथ
मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपके पूरे व्यक्तित्व को देखते हुए वो ये है कि आप जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। आपने ऐसी ऐसी चीजें ईजाद की हैं जो अल्फाबेटिकली भी आपको मैं बताना चाहूंगी और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी जय कुमार जी कि आप ये जरूर बताएं ए से क्या बनता है, बी से क्या बनता है, सी से क्या बनता है। जब मैंने कानपुर विजिट किया था, आप वाचनालय भी चलाते हैं, आपकी पूरी एक लाइब्रेरी है जहाँ विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, जहाँ विद्यार्थी बाकायदा पुस्तक का वाचन भी करते हैं, जो एक मैंने कहा ना कि जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं। आप अखबार निकालते हैं, आपके अखबार का बहुत जो टाइटल है वो अपने आप में ही पूरे समाज को संदेश देता है, जय भीम जय समाज। पुस्तकालय आपका है, यही आपका समाचार पत्र भी है। तमाम जो समाज में जो चीजें घटती हैं उन चीजों पर आपकी पैनी दृष्टि रहती है। लेकिन जय कुमार जी, आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जमीन से जुड़े तो हैं ही, साथ ही साथ आप एजुकेशन सिस्टम को भी पूरा देखते हैं, क्योंकि आप एक गंभीर लेखक भी हैं। पूरे अंबेडकरिज्म का आपने अध्ययन किया है एक तरह से, और आप समाज में एक संदेश को लेकर आप काम कर रहे हैं। ये जो आरक्षण का जो मुद्दा है हमारे सामने, अभी हाल फिलहाल जो कोर्ट ने जो इसके ऊपर बात करनी शुरू की, उससे पहले भी अगर हम आप प्लीज म्यूट कर दें, देव कुमार जी को छोड़ के अभी सभी म्यूट कर दीजिए जिससे डिस्टरबेंस ना हो। आप जब मैं आपके पास आऊंगी तो वो तब आप अनम्यूट कर दीजिए, लेकिन अगर म्यूट करेंगे तो क्लियर रहेगी, क्योंकि देव कुमार जी हमारे सामने बहुत मुश्किल से इनका समय हमें मिलता है। आप क्योंकि बहुत जमीन से जुड़े हुए रहते हैं, आप आपके पास समय उस तरीके से हम नहीं ले पाते। तो आज का महत्वपूर्ण विषय मैं आपसे जो जानना चाहती हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जो ना तो संस्थाओं में गया एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और ना ही उसने नौकरी हासिल की। देव कुमार जी, आप मेरे प्रश्न को बहुत गंभीरता से सुनिए जिस विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। समाज का वो तबका जो ना तो स्कूल में गया, उसको स्कूल का रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर उस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाता तो ना रिजर्वेशन का लाभ लेता, या कहें क्योंकि वो पढ़ा हुआ है नहीं तो उसको नौकरी में भी रिजर्वेशन नहीं मिला। तो एक तरह से जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो प्रतिनिधित्व का सवाल था, और वो तबका जो ना तो स्कूलों के दरवाजे तक जा पाया, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के दरवाजे तक जा पाया, और ना ही वो नौकरियों तक पहुंचा, अगर नौकरियों तक पहुंचा तो झाड़ू की नौकरी तक वो सीमित रहा। और आपका जो लोगो है पूरे समाज का, तो उसमें झाड़ू के साथ मशाल भी है और साथ में लेखनी भी है। मैं सीधा सवाल देव कुमार जी आपसे ये करती हूँ कि आप इस प्रेक्षण को कैसे देखते हैं सोसाइटी में, कि जिन व्यक्तियों को जो ऐसा जो तबका है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए संवैधानिक अधिकारों का लाभ नहीं उठा पाता, शैक्षिक स्तर पर भी और आ, आ, उसके ऊपर भी शैक्षणिक संस्थाओं के साथ साथ नौकरियों में भी प्रतिनिधित्व जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, तो इस आरक्षण को आप कैसे देखते हैं? जय कुमार जी। धन्यवाद कौशल जी। सबसे पहले तो मैं आपके जो चैनल है उसको बधाई देता हूँ बहुत बहुत। और आज की जो चर्चा में सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं 5 राज्यों से, मैं सभी को आभार, जय भीम, डॉक्टर राजकुमार वेरिका साहब, जय भीम, आपको, आपके गीतों को हम सुनते हैं। और सबसे पहले मैं अपनी बात कहूँ, उसके पहले बाबा साहब को एक शेर में जरूर कहूंगा बाबा साहब के लिए, कि नमन करूँ मैं याद करूँ बस उनसे ही फरियाद करूँ, नमन करूँ मैं याद करूँ बस उनसे ही फरियाद करूँ, जो मिला मुझे सब मिला भीम से, बाकी किसका धन्यवाद करूं, बाकी किसका धन्यवाद। कौशल जी, मैं इस बारे में एक बात बहुत कहना चाहूंगा कि हम आमतौर पर यह सोचते हैं कि जो शिक्षित लोग हैं, आरक्षण की हमारी लड़ाई हो या शिक्षितों से संबंधित हमारी जो लड़ाई हो, वो ही मामले सिर्फ दलित आंदोलन में है। मेरा एक मुझे एक शिकायत रहती है दलित आंदोलनों से कि दलित आंदोलन में कभी भी सफाई कर्मचारियों की लड़ाई को दलित आंदोलन नहीं माना, ये दिक्कत की बात है। आज कोई भी आंदोलन, अगर दलित आंदोलन अपने आप की तस्वीर पेश करता है कि आज अगर दलितों के क्या हालात हैं, तो वो सफाई कर्मचारी की तस्वीर को पेश करते हैं कि देखिए आज की दलित की तस्वीर पेश करते समय सफाई कर्मचारी को पेश किया जाता है, लेकिन जब हक अधिकार की बात आती है तो शिक्षितों की बात की जाती है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये तबका भी जो झाड़ू में लगा हुआ है, उसके हक और अधिकार और गरिमा का जो सवाल है वो भी दलित आंदोलन का सवाल है। दलित जातियों को भी इस बात को समझना चाहिए कि सफाई कर्मचारियों की लड़ाई सफाई कर्मचारी अकेले क्यों लड़ रहे हैं, उनके ही लोग क्यों लड़ रहे हैं, ये दलित आंदोलन का मुद्दा है।
दलित आंदोलनों को इस लड़ाई को भी अपनी लड़ाई में शामिल करना चाहिए। इसलिए यह हमारी लड़ाई हमेशा कमजोर रह जाती है क्योंकि हम एक बहुत बड़े तबके को कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ तक रही आरक्षण की बात, हमारे जो लोग हैं वो शिक्षा के उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए जहां तक उस आरक्षण का लाभ उठा पाते, जिस आरक्षण को लेकर के आज कल शहर समुदाय से चल रहे हैं ये झगड़े है, हमें वहां तक हम पहुंच नहीं पाए, इसलिए उस आरक्षण को हम लाभ नहीं ले पाए। और हमारी आज इस कमजोरी का फायदा उठाकर वो शक्तियां जो हम किसी को भी लाभ नहीं लेना देने देना चाहती, वो शक्तियां हमको आपस में लड़ा करके कि देखो आरक्षण का लाभ नहीं मिला और वो इसमें विघटन पैदा करने का काम कर रहे हैं। आज एक क्रीमी लेयर के मामले को दिया गया, क्रीमी लेयर जैसी एक बात आ गई, ये बहुत अच्छी बात है। जो संपन्न वर्ग है ये उसको खुद सोचना चाहिए कि सही है कि मेरे ही दलित भाई है, मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर सरकार की मंशा ये है कि वो हिस्सा दलितों के पास ही रहना चाहिए, तब तो ये बात ठीक है कि हम उनके आरक्षण में से कटौती नहीं करेंगे, उनका आरक्षण दिया जाएगा किसी भी कीमत पर किसी भी वर्ग पर। लेकिन अगर उसमें ये शर्त या उनकी ये मंशा है कि हम अगर आरक्षण घटता है तो हम वो उन जातियों को दे देंगे जो पहले से संपन्न है, तो मैं नहीं समझता कि सरकार की इसमें नीयत साफ है। और जैसा देखा जा रहा है आज तक पूरी तरह परिलक्षित हुआ है कि सरकार की नीयत हमारे लोगों के मामले में साफ नहीं है। आज हमारे बीच में आरक्षण को लेकर के विभेद पैदा हो गया है, आरक्षण को लेकर के दलित जातियों में ही आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, आपस में वैमनस्य पैदा हो गई है। इसलिए हमें इस आरक्षण की बात को बहुत बेहतर ढंग से समझना होगा। ये जो आरक्षण में जो किया गया है कैटेगराइजेशन होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ कि जब संविधान लिखा गया तब भी अगर होता तो सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से प्रावधान किया जाना चाहिए। आज भी आज के कोरोना जैसे हालात में चाहे वो दलित बंधु हो या कोई भी वर्ग का कर्मचारी हो, सब घर पे बैठ करके तनख्वाह ले रहे हैं, सिर्फ सफाई कर्मचारी पूरी ड्यूटी सफाई कर्मचारी कर रही है और उसके लिए दलित भाई भी कोई भी नहीं थी। मतलब है कि मेरी खराब है, मुझको ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। और जब मैं अपने लाभ की बात करूं, किसी दलित भाई को इसका विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरी स्थिति उनकी स्थिति है। आरक्षण की जो बात है सच्चाई है कि वर्ग जो समुदाय छूट गए हैं, दलित होते हुए भी उनको उसका लाभ नहीं मिलाया है। और मैं विशेष तरह वकालत करूंगा सफाई कर्मचारी समुदाय की, जिसको हर जगह उपेक्षित रखा जाता है, उसको इसका लाभ अलग ढंग से देना चाहिए। जैसे पंजाब में आरक्षण की बात चल हो रही है या हरियाणा में जो लागू रहा है, इस तरह के प्रावधान में इससे भी कोई अच्छा प्रावधान जिससे इस समुदाय का ज्यादा भला हो, क्योंकि इस समुदाय से ज्यादा काम लिया जाता है। मैं जरूर इसकी पैरवी करूंगा कि इस आरक्षण नीति हमारे लिए। जी, हमारे साथ है पंजाब से डॉक्टर राजकुमार बेरकर जी। हालांकि आप थोड़ी सी देर आपके कीमती समय में से आप निकाल के आए हैं, मैं स्वच्छ और समाज की आवाज की तरफ से ग्लोबल अम्बेडकर की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। सर, आप हाईली क्वालिफाइड हैं, एक नेता के साथ साथ आपने तमाम ऐसे वर्ग से ऊपर उठ के और यहाँ तक का पद आपने जो प्राप्त किया है, PST कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं और तमाम जगहों पर आपका अनुभव रहा है। आज यहाँ आपके साथ जो चर्चा करने के लिए हम यहाँ हमने जो निकाला है वो ये कि पंजाब का जो रिजर्वेशन का जो रूप है और हाल फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक डिबेट का विषय, क्योंकि हम उसको कम से कम डिसीजन नहीं कह सकते, लेकिन चर्चा एक जरूर आई है जिसमें 5 लोगों ने रिट डाली और ये कहा कि इसके ऊपर आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तमाम अखबारों ने, किसी ने समीक्षा लिखा, तमाम सबका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अलग अलग वर्जन रहा। तो हम पंजाब की क्या स्थिति है और क्या आरक्षण हमें आपस में, जैसे कि देव कुमार जी का अनुभव एक तरह से बीच में उन्होंने साझा किया कि हो सकता है इससे हमारे बीच में ही खाई बढ़ जाए, संस्थाएं कभी भी दलित पॉलिसी नहीं बनाते, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो पंजाब का जो स्पीकर है उसने किस तरीके से रिजर्वेशन को अपने स्टेट में लागू किया है,
और आप क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी हैं, एक उच्च प्रतिनिधि होने के नाते भी आप प्रतिनिधित्व के सवाल पर, आरक्षण के सवाल पर चर्चा करें। आपकी चर्चा से पहले मैं तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनसे ये कहूंगी, ऋचा राज जी हमारे साथ बातचीत कर और उदय कुमार जी जो कानपुर से, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बातचीत रखी है। आप अगर किसी भी तरह का किसी भी दर्शक का कोई सवाल हो तो आप हमें स्वच्छकार समाज की आवाज की पेज फेसबुक पेज पे लिखिए, वो हमें मेरे सामने कनेक्ट है, हम उनके सवालों के जवाब अपने पैनलिस्ट से चाहेंगे। आप स्वच्छकार समाज की आवाज के पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिंदास तरीके से सवाल पूछिए, क्योंकि हम यहाँ संवाद करने आए हैं। संवाद जो महत्वपूर्ण कदम होता है किसी भी विचार करने के लिए। बाबा साहब अंबेडकर का अगर मैं उदाहरण लूं, उन्होंने ही कहा था, उन्हीं के शब्दों में अगर मैं कहूं कि जो संवाद या जो बात आपको तरक्की कसौटी पर खरा उतरती हुई दिखाई दे, इसलिए आप उसके मानिए। इसलिए नहीं कि अंबेडकर जी ने कहा था या इसलिए नहीं कि बुद्ध ने कहा था, बल्कि अगर आपको लगता है, आप अपने तर्क के आधार पर उसको, आपको लगता है कि ये सही है और गलत है, इसका निर्णय आप खुद करेंगे। इसलिए मैं सीधा डॉक्टर राजकुमार गिरका जी से सवाल पूछती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है सर, आपने बहुत आभारी हूँ आपने अपने कीमती उठ के आप हमारे बीच में आए, लेकिन आपका विजन जानना तमाम बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आरक्षण के हर स्टेट में क्या क्या व्याख्या है, आपकी बात से पहले आपसे माफी मांगते हुए मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ। जो भी हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, डिसीजन नहीं आया मतलब जो जो इसके ऊपर एक एक तरह से चर्चा हुई, उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के सभी स्टेट्स को ये कहा था कि स्टेट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो रिजर्वेशन के को कैसे अपने स्टेट में लागू करना चाहते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एक तरह से हमारे जो प्रतिनिधित्व का सवाल है, जो संवैधानिक जो अधिकार है या जो जो मूलभूत जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो प्रतिनिधित्व का सवाल है, वहां पर भी ये सवाल खड़ा करता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दें कि उसको लागू करे या ना। डॉक्टर राजकुमार कर सर, जय भीम दोस्तों, पहली जय भीम बात तो सर, यह है बात करता हूं और आपसे माफी क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके पास देर से जुड़ा हूं, लेकिन मैंने आपकी चर्चा सुनी है और एक मैं बात आपको कहना चाहता हूं कि यहां तक सवाल आरक्षण का है। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जो जो आरक्षण है, बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा, बाबा साहब अंबेडकर ने हम सबको संगठित रहने का एक मूल मंत्र दिया था। मैं उस मूल मंत्र का अनुयायी हूं, उस मूल मंत्र का सिपाही हूं और उस मूल मंत्र पे चलने वाला एक व्यक्ति हूं। और मैं चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि भैया जिस दिन ये पूरा समाज इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठे होकर लड़ाई लड़िए, आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन समाज अलग गुटों से बांटा हुआ है, अलग कास्ट में धर्मों में बांटा हुआ है। आज भी अपने आप को कोई कबीरपंथी कहता है, अपने आप को कोई चमार हम सब मिलकर एक बात का ध्यान रखें कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा कि जिस लिए पूरा परिवार इकट्ठा हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। लेकिन एक बात का मैं पहरेदार हूं, वो पहरेदार इस बात का हूं कि हमारे समाज में जो पीछे रह गया व्यक्ति और उसको आगे बढ़ने का समाज के अंदर ये अड़चने पैदा हो रही है, समाज के बीच में ही ऐसी खाई पाटी जा रही है। अगर हम सब मिलकर एक बात का ध्यान रखेंगे कि भैया मैंने कभी नहीं ये कहा कि जो पीछे रह गया है उसे आगे आगे आने दो, मैंने कहा नहीं भैया जो आगे चला गया है वो आगे रहे, मैंने कभी नहीं कहा उसको पीछे खींचो, मैंने कहा कि भैया जो पीछे रह गया है उसको भी आप आगे बढ़ने का मौका दो, उसे भी अब चलने का मौका दो, आप उसे भी आगे बढ़ने का मौका दो। और ये मेरे भाइयों ने सही बात कही है कि जो आरक्षण की पहचान किससे होती है, ये पहचान इसलिए होती है, सब लोग कहते हैं कि भैया हम नहीं आरक्षण लेंगे,
आपके बच्चे आपके माँ बाप सर पे गंदगी उठा लें तो हम आरक्षण छोड़ देंगे। गंदगी का फायदा जो सर पे हम उठा रहे हैं इसकी आरक्षण का लाभ तमाम देश के लोगों को मिलता है और तमाम दलित जातियों को मिलता है। हमने कभी नहीं कहा कि भैया आप हमारा फायदा ले रहे हो। मैंने कहा कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की कौम से, बाबा साहब अम्बेडकर ने सब लोगों को इकट्ठे रहने की बात की। मैं चाहता हूं कि पूरा समाज इकट्ठा रहे, पूरे समाज के लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग इकट्ठे रहें। और ये भी मत भूलें कि ये जो आरक्षण की कुछ जातियां हैं जिसमें से मैं खास करके जिक्र, क्योंकि वाल्मीकि जाति का इसलिए होता है कि वो दलितों में भी दलित है, पिछड़ों में भी पिछड़ा है, गरीबों में भी गरीब है। और उसके लिए क्योंकि जब उस कास्ट की बात आती है तो हम उसको एक अलग नजरिए से देखते हैं। मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि भैया उनको अलग नजरिए से मत देखिएगा। और मैं कहूं कि आज तक जितना भी आरक्षण का फायदा पहुंच रहा है वो सबको पहुंच रहा है। और आरक्षण में सबसे नीचे की जाति क्या है? जो सफाई कर्मचारी हैं, और उनकी हालत क्या है? वो बात से बदतर है, ये भी हम सब लोग जानते हैं। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि हम सबको इस बात का ध्यान रखना होगा। मैंने पहले भी एपिसोड में कहा था कि इंसाफ की दुहाई, इंसाफ रो रहा है, इंसानियत पे अब भी जुल्म हो रहा है, सदियों से चल रही है ये जुल्म की कहानी। ठेके पे है नौकरी और आंखों में है पानी, हाथों में इनके झाड़ू, सर पे है तिगाड़ी, दिन रात उठा रहे हैं ये गंदगी हमारी। सरहद पे जो मरते शहीद वो कहलाए, गटरों में दम जो तोड़े कोई पास भी ना है। अब तो बोलो किसका धर्म है ऊंचा, जरा अपनी जुबान से बोलो। आज कौन सड़कों पे लड़ाई लड़ रहा है, कौन देश को बचाने की बात कर रहा है? आज कोरोना फैला हुआ है, आज पूरे देश को बचाने की दलित कास्ट में अगर कोई कास्ट है जिसका फायदा पूरा देश ले रहा है तो वो सफाई कर्मचारी कास्ट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भैया हमने कभी नहीं कहा कि जो आगे बढ़ गया है उन्हें रोको, उन्हें पीछे खींचो। हमने कहा जो पीछे रह गया है उसे भी आगे बढ़ने का मौका दो। दूसरी बात आपने जिक्र किया है कि ये जो कानूनी पहलू है, कानूनी प्रक्रिया है, एक बात का ध्यान रखना, 2 अप्रैल का दिन वो याद रखे देश, 2 अप्रैल के दिन पूरे देश में के अंदर एक यूनिटी के साथ देश में एक लड़ाई लड़ी गई थी, आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ी गई थी। और वो इसलिए लड़ाई लड़ी गई थी कि पूरा देश संगठित था और इसलिए वो कामयाब मिशन हुआ था आपका। और अगर हम कहें कि भैया वाल्मीकि अलग से लड़े, रविदास अलग से लड़े, कबीर पंथी अलग से लड़ रहे, चमार अलग से लड़ रहे, तो ये लड़ाई में कोई भी सफल नहीं हो सकता। लेकिन ये भी देखना होगा कि एक दूसरे के राइट को हमें प्रोटेक्ट करना है, एक दूसरे की आवाज को हमें बुलंद करना है। और ये दुश्मन जो खास करके मैं कहूं कि बीजेपी की एक कोशिश है कि दलित कास्टों को आपस में बांटा जाए, आपस में लड़ाया जाए, आपस में टुकड़े किए जाएं, हम सबको ये शासनों से सतर्क रहना है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस हुआ था, और मैंने एक बात कही थी कि भैया आप सुप्रीम कोर्ट वाले कभी जो जजेस साहिबान ने फैसला किया है, कभी गरीब की बेटी बन के ये जुल्म की लड़ाई लड़ी होती, आपने आपने वो जलालत सही होती, आपने सर पे गंदगी की टोकरी उठाई होती, तो शायद आपको पता चलता कि जलालत किसे कहते हैं और आरक्षण किसे कहते हैं। दूसरी मैं एक बात आपको कह दूं कि आज जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हमें संगठित रहना है, हमें देश के संविधान के दायरे में रहना है,
और देश हमारे लिए सबसे पहले है, ड्यूटी हमारे लिए सबसे पहले है, ईमानदारी हमारे लिए सबसे पहले है। हम हर तरह की ईमानदारी, हर तरह की ड्यूटी निभाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे ऊपर प्रहार ना करें, हमारे ऊपर जुल्म मत करिएगा। और दूसरी बात मैं कहूं, एक कानूनी पहलू है, कानूनी पहलू यह है कि पंजाब में आज मैं एक मिनिस्टर और मुझे ये बताते हुए खुशी प्राप्त होती है, हर्ष प्राप्त होता है कि जो पंजाब का ये रिजर्वेशन एक्ट 2006 है, अमेंडमेंट एक्ट 2006 है, उसको मेरी ओर से प्रस्तुत किया गया था, जिसको एक वजह से आज रिजर्वेशन विदन द रिजर्वेशन, जिसको आप एबी की भी बात करते हो, और वो इसलिए बचा हुआ था कि जब हमने बिल प्रोड्यूस किया था, हमने तमाम और उसकी सहमति, चाहे कबीरपंथी हो, रविदासी हो, चमार हो, चाहे दूसरे लोग हो, सबने एक सुर में कहा था कि हाँ ये बिल बिल्कुल सही है और ये जो पीछे रह गया है उसको अब आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और जब मैंने बिल लेके आया था 2006 में और ये बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे भाइयों के बीच में कुछ गलतफहमियां है, उस गलतफहमियों को हटाना होगा, उस गलतफहमियों को दूर करना होगा और ये सोचना होगा कि हम अगर एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, तो हमें कोई दुनिया की ताकत, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब ये पूरा परिवार इकट्ठा हो जाएगा कोई दुनिया की ताकत आपको हिला नहीं सकती। तो ये पूरे परिवार को इकट्ठा रखना भी हमारे लिए चैलेंज है। बहुत से मेरे दोस्त ये दलित कास्टों में एक दूसरे के खिलाफ प्रहार करते हैं, जिससे मुझे दुख पहुंचता है, जिससे मैं आहत होता हूं। मैं कहता हूं कि भैया आपस में मत लड़िएगा, दूसरे लोग साजिश करते हैं कि ये आपस में लड़े और ये डिवीजन हो जाए, हमने डिवीजन नहीं होने देना है। और जहां तक कानूनी एक पहलू की बात आपको कहूं, लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है आरक्षण के खिलाफ फैसला है, याद रखना, लेकिन ए और बी की अगर मैं बात कहूं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी भी स्टेट को कोई भी हुक्म लागू नहीं करेंगे, स्टेट चाहे तो उसको आरक्षण दे दे, स्टेट चाहे तो ना दे। और मैंने आपको कहूं कि क्योंकि 2006 को हमारा एक्ट बना हुआ है, वो एक्ट जो बना था, अभी जो मैंने अभी 4 महीने पहले विधानसभा का सेशन आया था, क्योंकि 6 में भी मैं मंत्री था, आज भी मैं मंत्री हूं, और मैं जब बिल लेके दोबारा से आया उसका सर्वसम्मति से आज फिर प्रस्ताव पास हुआ है। और सर्वसम्मति से सबने कहा है कि हम मूल रूप जो आरक्षण पंजाब में है उसको बिल्कुल खत्म नहीं होने देंगे, इन बिन आरक्षण लागू रहेगा, हम इसलिए बचे होंगे। मैं तमाम दोस्तों से ये कहूंगा कि अपने अपने मेंबर पार्लियामेंट से, अपने अपने एमएलए से, अपनी अपनी स्टेटों के ऊपर प्रेशर डालिएगा कि वो एक्ट लेकर के आए, विधानसभा के अंदर कानून लेकर आए। जब तक विधानसभा के अंदर कानून पास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। हरियाणा में क्यों दिक्कत हुई, हरियाणा में इसलिए दिक्कत हुई है, हरियाणा में एबी का फैसला, मैं आपके पास फिर आऊंगी दोबारा से, वो इसलिए फैसला हुआ था एबी का कि भैया वहां पे इसलिए कि वहां कानून नहीं बना था, वो एक्ट नहीं बना था। हम चाहते हैं पंजाब की तरह सब स्टेट एक्ट बना दें ताकि हमें परेशानी ना हो। जी प्रोफेसर राजेश वैद्य हैं हमारे साथ हरियाणा से, इसलिए मैंने आपको टोका सर, मैं क्योंकि दोबारा एक बार फिर सब आप सबके बीच में आऊंगी। राजेश वैद्य जी, आप पहले प्रोफेसर में प्रोफेसर भी रहे हैं और आप हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व मेंबर भी रहे हैं और तमाम पहलुओं पे आप चर्चा करते हैं। आप हरियाणा के उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ बिल्कुल एकदम जो सामाजिक रूप से अगर बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव ना हो तो इकोनॉमिकली इस
जी मैडम का शायद नेटवर्क टूट गया है, तो वो जल्द आपके साथ दोबारा फिर आते हैं। तो राजेश सर, आप अपनी बात को कंटिन्यू रख सकते हैं कि आप इस चीज पर क्या सोचते हैं रिजर्वेशन के बारे में, आपने काफी फील्ड में काम किया। राजेश सर, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर कौशल पवार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने लॉकडाउन के इस समय को प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए समाज की विभिन्न हस्तियों के साथ जो ये ऑनलाइन परिचर्चा शुरू की है, तो अत्यंत प्रशंसनीय कदम है। तो मेरे साथियों, जैसा कि आज का बड़ा ज्वलंत मुद्दा है आरक्षण, आरक्षण के मूल रूप को समझने के लिए इसके इतिहास को समझना होगा, क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं या ऑनलाइन हम जब आरक्षण की बात करते हैं तो पक्ष और विपक्ष में बहुत से तर्क आते हैं और कई बार चर्चा निम्न स्तर पर पहुंच जाती है। तो ऐसे में हमारे जो इंटेलेक्चुअल लॉबी है, हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट है, तो उन सबका दायित्व बनता है कि हम अपनी बात को बड़े ही सहजता और तर्क के साथ रखें। तो मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण जो वर्ड है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन ऑफ रिजर्वेशन, तो वैदिक पीरियड में ये आरंभ हुआ और हमारे जो समाज के जो हमारे अग्रणी साथी है वो पहले एक तरह से रिजर्वेशन का लाभ लेते रहे हैं। आज इन लोगों को आरक्षण से चिढ़ है, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वैदिक पीरियड में, एपिक पीरियड में, महाकाव्य काल में सिर्फ कुछ वर्ग को ये शिक्षा का अधिकार था, तो ये भी आरक्षण की परिभाषा में आता है, उनके क्षेत्र में आता है। तो उनको बताने की जरूरत है कि आपने कई हजारों साल तक गुरुकुल परंपरा के तहत आरक्षण का अनुभव किया और उस समय क्षेत्रीय को ही शिक्षा का अधिकार था, तो ये एक तरह से आरक्षण ही था। हम बात करते हैं ब्रिटिश पीरियड की, तो ब्रिटिश पीरियड में सबसे पहले 1882 में उस समय के लॉर्ड थे इंडिया के विलियम हंटर और महात्मा ज्योतिबा फुले, जो उस समय के बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे, तो इन दोनों महान हस्तियों ने मिलकर भारत में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का फॉर्मूला दिया और इस फॉर्मूले को ब्रिटिश एम्पायर ने एडॉप्ट भी किया और इसी के तहत इसी फॉर्मूले को विलियम अंटर और महात्मा ज्योतिबा फुले के इसी फॉर्मूले को बाद में छत्रपति साहूजी महाराज ने एडॉप्ट किया और 1909 में उन्होंने रिजर्वेशन की शुरुआत की और स्टार्टिंग में यह सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को दिया जाने लगा। आज का जो वर्तमान है, आज हम वर्तमान आरक्षण की बात करते हैं, तो ये आरक्षण 1932 से जुड़ा है कि जब होलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, बाबा साहब ने कन्विंस कराया ब्रिटिश रूलर्स को कि ब्रिटिश एम्पायर में जो हालात है शेड्यूल कास्ट के, बहुत दयनीय हालात है, और उन्होंने इतना कन्विंस कराया कि उस समय के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने खोला दिया कि आप कम्युनल अवार्ड के तहत एक सेपरेट इलेक्टोरियल की व्यवस्था कीजिए जिसमें
उस समय के प्रधानमंत्री ने अपने सिख मुस्लिम अपने यूरोपियन एंग्लो इंडियंस और इंडियन क्रिश्चियन और शेड्यूल कास्ट के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था का प्रावधान रखा, जिसको पूरी तरह से नकार दिया गया। और 18 अगस्त को महात्मा गांधी जी ने इस फॉर्मूले के विरोध में आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। उन दिनों वो जेल में थे और बाद में उन्होंने बाबा साहब को कन्विंस करा लिया। बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद पुनः पैक्ट हुआ और उस पुनः पैक्ट में ये फॉर्मूला अपनाया गया कि सिंगल हिंदू इलेक्टोरल सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए और इसमें रिजर्वेशन का फॉलो किया जाए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाए। और ये वहां पर 1932 में एक्सेप्ट किया गया और जब देश आजाद हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में आया, तो ये जो हमारा आज का वर्तमान का जो ये आरक्षण है, तो ये उस समय हमें मिलना शुरू हुआ पुनः पैक्ट के तहत, जबकि हमारी डिमांड इससे अलग थी। तो मैं बताना चाहता हूं कि बाद में हमारे ओबीसी जो भाई है, पिछड़ा वर्ग है, 1978 में उनके लिए भी एक अलग से मंडल कमीशन का गठन किया गया और 91 में इनको भी रिजर्वेशन का प्रावधान शुरू हुआ। तो मेरे सभी वरिष्ठ साथी जो है, माननीय बेरका जी हमारे साथ में हमारे बड़े सीनियर साथी है और आप सब बुद्धिजीवी सभी प्रोफेसर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 92 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया इंदिरा सैनी ने, उसमें क्लियर कट था कि भाई उन्होंने जब गवर्नमेंट का उन्होंने अपहोल्डिंग किया कि हमें 27% रिजर्वेशन चाहिए, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोकते हुए कहा कि आप स्टेट में 50% से ऊपर नहीं जा सकते। बाद में इसी संदर्भ में 2001 में एम नागराज का डिसीजन हुआ, उसमें दोबारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप हमारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है उनको नौकरियों में प्रमोशन उनको प्रमोशन की जा सकती है रिजर्वेशन के तहत। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप इस मुद्दे को, जो बहुत जबरदस्त मुद्दा है, इसको बड़ी मजा के साथ आम जनमानस तक पहुंचाइए। और जो ये अभी फिलहाल थोड़े दिन पहले के जो डिसीजन आया है माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि हमें ये जो रिजन का राइट है ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा जाता है, मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हमारा पूरा समाज बड़ा रिगार्ड करता है। और चूंकि मैं खुद 6 साल कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर रहा हूँ, संवैधानिक पद पर मैंने अपनी जिम्मेदारी का बड़ी बखूबी ईमानदारी से निर्वहन किया है, मैं सुप्रीम कोर्ट से कहता हूँ कि हम हरियाणा के लोग इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे तो माननीय कोर्ट ने हमारा अभी तक पेंडिंग किया हुआ है, तो क्या हम ये समझे कि अब ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो क्या हमें स्टेट गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना चाहिए? अभी उसमें कुछ चीजें क्लियर होनी है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो हमारी इस समय दयनीय स्थिति है इंस्टीट्यूशन में देख लीजिए आप, आज माननीय हमारे मंत्री महोदय जी ने कहा कि कोरोना की इस घड़ी में भी हमारे समाज के लोग 100% ड्यूटी दे रहे हैं। मैं यहाँ किसी को डिमोरलाइज नहीं करना चाहता कि डॉक्टर्स में भी कई ब्रांचेस हैं, जैसे डेंटिस्ट है, आई सर्जन है, तो वहां पर भी जो स्पेशलिस्ट है उनकी ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन जो हमारे सफाई कर्मचारी है सिर्फ एक ही स्पेशलाइजेशन है कि वो सफाई कर्मचारी है। तो ऐसे में 100% सफाई कर्मचारी अभी कोरोना के दिनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सरकार से मेरी प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से कि आप ये जो हमारे मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर, हमारे डॉक्टर कौशल पवार जी ने कहा कि अभी इन्होंने प्रारंभ में इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी उन सभी प्रवासी मजदूरों को, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रवासी मजदूर है
ये सभी पिछले हैं। तो मेरी प्रार्थना थी कि अगर आप, अभी मैं न्यूज देख रहा था तो पढ़ रहा था कि हमारे ऑनरेबल जो होम मिनिस्टर साहिब हैं, उन्होंने अभी ऑर्डर किया है एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया जी को कि वो स्पेशल विमान से जाए, अहमदाबाद में जाए और वहां चेक करे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप माननीय मंत्री महोदय जी, गृह मंत्री जी, आप ये चीजें हमारे जो मजदूर भाई है, जो गरीब पिछड़े वर्ग से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं, वो बेचारे कटके मर रहे हैं ट्रेन के नीचे, तो क्या मेरे पास, मैं अभी इस डिस्कशन को सर से के पास वापस दोबारा फिर से आती हूँ। डॉक्टर प्रेमचंद जी हमारे साथ हैं, आप जेएनयू से डॉक्टरेट आपने किया और उस वक्त के भी आप बहुत दबंग स्टूडेंट रहा करते थे, प्रेसिडेंट आपके यूनियन के होते थे और आज आप वर्तमान में डूटा दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर प्रेमचंद, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रहे हैं वर्तमान में, एक एकेडमिशियन और एक तमाम जो डूटा जब भी कोई रिजर्वेशन पे अपना बातचीत करती है तो तमाम भारत की हर एक यूनिवर्सिटी में डूटा की आवाज को सुना जाता है, बाकायदा डूटा को फॉलो किया जाता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप डूटा के पदाधिकारी हमारे इस चैनल पे हैं। सर, दो चीजें मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहती हूँ, ज्यादा विस्तार में ना जाके आप सीधा मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए। नंबर वन, सुप्रीम कोर्ट का जो एक तरह से चर्चा है वो क्रीमी लेयर, जो मैंने पहले ही बात की थी, तमाम मीडिया ने क्रीमी लेयर के रूप में उसमें और समीक्षा के रूप में जो एक प्रोडक्शन हमारे सामने रखा, आप इसको कैसे देखते हैं? नंबर टू, मैं आपसे सर सीधा सवाल, मैं बीच में आपको टोकूंगी नहीं, इसलिए मैं लगातार आपसे दो तीन सवाल आपसे, क्योंकि लास्ट आप पैनलिस्ट हैं और हमारे पास समय का भी प्रभाव है। मैंने प्रोफेसर राजकुमार जी को भी, राजेश जी को भी इसलिए टोका है ताकि लास्ट में सवाल फिर सबसे राउंड में लूं और राजेश जी की आवाज को सुने कि हरियाणा में ए और बी का, जो मैं जानना चाहती थी, शायद वो इस विषय पर बाद में बोलेंगे, ए और बी का, क्योंकि आप हरियाणा से भी आते हैं, हरियाणा में कैटेगराइजेशन था 2003 में जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, एमफिल मैंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र, एमए कुरुक्षेत्र से किया और एमफिल रोहतक यूनिवर्सिटी से किया, वहां पर रिजर्वेशन ए और बी में कैटेगरी में था, जिससे वो रिजर्वेशन तमाम जो डिप्राइव्ड सेक्शन है हमारा और तमाम जो हमारा अपना एक वर्ग है, जो अपनी मेहनत के बूते, जो अपने एजुकेशन के बूते, जो अपने दम पर सामाजिक आंदोलनों में भी सबसे ज्यादा भागीदारी करता है, लाठिया डंडे खाता है, मेरा ये वर्जन है एकदम कि जो मेहनत करेगा मलाई भी उसको खानी चाहिए, जो आंदोलन करेगा उसको ही हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन हम बाबा साहब अम्बेडकर के क्योंकि अनुयायी हैं और उन्होंने कहा था कि समाज में वो तबका जो बिल्कुल एकदम पीछे के पायदान पे है, भारत का समाज का वो तबका जो सबसे पीछे खड़ा हुआ है, उसको भी प्रतिनिधित्व तो दिया जाना चाहिए। डॉक्टर प्रेमचंद सर, मैं आपसे सीधा सवाल हरियाणा के बारे में पूछ रही हूँ, ए और बी उसके बाद खत्म कर दिया गया और आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्जन आया है कि समीक्षा हो, क्रिमिनल लेयर लागू हो, आप इसके ऊपर कैसे सोचते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में तीसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि तमाम देश की बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसमें टीचर्स हैं, उसमें नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसमें हमारे विद्यार्थी हैं, कैसे आप रिजर्वेशन को देखते हैं? आज का जो माहौल, डॉक्टर राजकुमार विरका जी ने भी कहा, प्रोफेसर राजेश वैद ने भी, जिसके ऊपर चर्चा के तमाम हमारे पैनलिस्ट ने, एक खतरा जो सामने दिखाया वो ये कि जो वर्तमान जो संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, वो एक ऐसे हमें गेम में उलझाए रखना चाहते हैं ताकि हमारा तमाम जो बैकलॉग हमारी सीट्स का है वो खत्म हो जाए तमाम, क्योंकि आप रोस्टर के मुद्दे पर बहुत लड़े हैं, हमने आपको हंगर स्ट्राइक में देखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पे, वाइस चांसलर के सामने गेट पे आप हंगर स्ट्राइक पे रहे और आपने बिल्कुल अंदर तक जाके अपनी आवाज को बुलंद किया, तो रोस्टर के माध्यम से कैसे गेम खेला जाता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में? मेरे तमाम स्वच्छकार समाज की आवाज के दर्शक, अम्बेडकर ग्लोबलाइज अम्बेडकर इंटरनेशनल वाइड जो आज जो दर्शक देख रहे हैं वो ये सुनना चाहते हैं आपसे कि रोस्टर के माध्यम से ये दुगडुगी का खेल जो एक तरह से संस्थाएं खेलती हैं, इंस्टीट्यूशन खेलता है, और क्रीमी लेयर का सवाल जो ऐसी में आने का जो एक एक बिल्कुल दरवाजे की तरफ नोक लगाए हमारे सामने बैठा है, और हम क्योंकि अम्बेडकरवादी भी हैं, हम चाहते हैं कि वो सेक्शन जो एकदम अभी अधूरा है वो हमारा अपना भाई है, हम खुद तय करेंगे कि रिजर्वेशन हमें किस फॉर्म में मिले, वेदर इट इज अप्लाइज फॉर द वर्जन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट और वी कैन अप्लाई फ्रॉम द वर्जन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। That's a thing I want to discuss with you. You may talk frankly,
What's your opinion about the reservation? सर म्यूट कीजिए, सर म्यूट करिए अपने आप को। ओके जी ओके आवाज आ रही है मेरी? ओके धन्यवाद, मैंने आप लोगों को सुनने के लिए अपने आप को टेप लगा रखा है। थैंक यू सो मच। वेरका सर को नमस्कार। आप जानते होंगे मैं आपसे कई बार मिला भी हूँ और आपने काफी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। सर समय के अभाव को देखते हुए मैं टोकूंगी, समय हमारे पास क्योंकि भागा जा रहा है क्योंकि मेरे को करीब बाइंड अप करना है। पांच मिनट है। सीधा सवाल का जवाब दीजिए सर। राजकुमार मीरका जी के साथ बाद में बात करेंगे हम। जी मैंने तीन सवाल आपसे पूछे हैं। जी जो 80 का जो डिसीजन आया है, पहली बात तो ये है कि 80 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल का निर्धारण 80-80 के रिजर्वेशन में नहीं कर सकती। अगर उन्होंने किया है डिलीबरेटली तो पार्लियामेंट हैव राइट टू इंटरवीन। वेरका जी जानते होंगे, कानून के जानकार हैं, तो इसमें कैटेगराइजेशन, क्योंकि पूर्व में भी जो डिसीजन आए हैं, एक तो जो है कानूनी प्रक्रिया के अंदर डिवीजन में सब डिवीजन नहीं कर सकते। और रही बात दूसरा इसका एस्पेक्ट, आपने बोला कि जो डंडे खाएगा वो मलाई खाएगा, जरूरी नहीं। बात यह है कि हम अपने समाज के सभी साथियों को साथ लेकर के चले और सभी लोग, मलाई की बात नहीं है, हम तो दबे कुचले हुए लोग हैं और अभी हमको अधिकार का जो है अभी पूछ का एक छोटा सा बाल पकड़ा है। मैं आपको बता रहा हूं, हमने दो फ्रंट पे लड़ाई लड़नी थी जिसमें हम चूक गए। तो यूपीए सरकार थी, यूपीए सरकार के समय बड़े लेवल पर जो चीजें चल रही थी उससे सत्ता पक्ष जो है बौखलाया हुआ था अंदर से, और उसकी परिणति आज जो है कोरोना महामारी से निपटने में जो असमर्थ व्यवस्था है वो लोग सत्ता में आ गए। अब आप मेरी बात का मूल समझ गए होंगे, क्योंकि सत्ता प्रतिष्ठान क्या था? कॉरपोरेट घराने थे, इंडस्ट्रियल थे, और उसमें मनमोहन सिंह जी के समय, मैं माफ कीजिएगा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, तो उस समय प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग पुरजोर ढंग से उठने लगी थी और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर ने ये भी मान लिया था कि हम देंगे, और टाटा ने तो ये भी मान लिया कि हम इंक्लूसिव पॉलिसी वो कर रहे हैं, हम कैटेगराइजेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये तक मान लिया था। उसके बाद जो है खेल होता है, सत्ता का खेल होता है, जिसमें ईमानदारी का, लोकपाल का, और जिसमें एक तरफ हमारी दिल्ली की सरकार बन जाती है, दूसरी केंद्र में कैसी सरकार बनती है वो आपके सामने। तो वो खेल में, क्योंकि उस समय की सरकार में 14 कैबिनेट मिनिस्टर हमारे समाज के थे, आज गिना दीजिए कितने। और ये बात, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे डिसीजन हैं जिनमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में पूर्वाग्रह नजर आते हैं, और उनमें हमें, क्योंकि बार बार हमें लड़ाई जीरो से छेड़नी पड़ती है, और ये इस जीरो से न छेड़ी जाए तो हमारा अगला पड़ाव क्या होना चाहिए, और मैं ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमारा अगला पड़ाव सिर्फ हमें ये रिजर्वेशन को प्रोटेक्शन करने के लिए न करके हमने ये कहना चाहिए कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारा हक है रिजर्वेशन दी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ हमारे अगर प्रतिनिधि सुन रहे हैं तो इस बात को गांठ बांध ले कि जब तक आप उनके नर्व पे अटैक नहीं करेंगे कि वहां पर रिजर्वेशन क्यों नहीं, जब हमारा जो न्याय करने वाला जो सेक्टर है वो खुद ही अन्याय कर रहा है, तो आप ये समझिए कि रिजर्वेशन वहां पर होना जरूरी है। और ये हमें किसी उससे नहीं लड़ना चाहिए, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बड़े कानूनविद थे, हमने अपनी अपनी विरासत को भुला दिया है। आज हमारे जो है लॉयर है, पता नहीं है जल्द कोई बाहर निकलता है या नहीं निकलता है, लेकिन लॉयर का एक समूह है, उनको तो लड़ना चाहिए कम से कम। तो एक तो ये पक्ष है। दूसरा पक्ष आपने पूछा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रिजर्वेशन के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो है 2013 में जो रिजर्वेशन जो लागू किया और खासतौर से ओबीसी के लिए भी लागू किया, रिजर्वेशन देना चाहिए था बहुत पहले से,
लेकिन आप जानते हैं कि रिजर्वेशन देने की प्रक्रिया में क्यों देरी की जाती है। एससी एसटी के जो प्रोफेसर, एससी एसटी के असिस्टेंट प्रोफेसर तक था, एसोसिएट और प्रोफेसर लेवल तक ओबीसी तक किया, लेकिन वो भी मामला खटाई में है। तो आज जो है खेल क्या हो रहा है, किसी जगह वर्कलोड घटबट जाता है, किसी जगह जो है जो आप देख ही रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने सालों से रिजर्वेशन को लेकर के जो है अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। और आज के दिन सिचुएशन ये हो गई है कि लोग जो है 12-12, 13-13 साल से जो है एडहॉक टीचर्स था, उसके लिए हमने 108 दिन से ज्यादा की लड़ाई लड़ी, आपके सामने ही लड़ी है। और ये सारा चीज है, इसके बारे में हमारी प्रतिबद्धता है 200 पॉइंट रोस्टर पे हमारा जो रिजर्वेशन है वो होना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। आगे जो हमारे पास मुद्दे क्या, हमारे पास मुद्दे जो खासतौर से सिर्फ एकमात्र रिजर्वेशन के मुद्दे के ऊपर फोकस न करके हमें इंटरप्राइजिंग के ऊपर भी हमने फोकस करना है। और मैं सलाम करता हूँ, मैं इसलिए सलाम करता हूँ हमारे जो कोरोना के वॉरियर्स हैं, उसमें हमारे समाज के तबके का एक महत्वपूर्ण जो तबका है, जो सफाई कर्मचारी है, वो आज फ्रंट पे लड़ रहा, वो आज जो है अपनी बलिदान दे रहा देश, वो आज जो है शहीद भले ही न कहला रहा हो, आगे समाज उनको शहीद भी कहेगा अगर शहीद होंगे, परंतु मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि उनको मल ढोना पड़े, मैं नहीं चाहता। और ये भी मैं बता दूं, क्योंकि सरकार का लास्ट जो यूपीए सरकार का लास्ट बिल अगर पास हुआ था तो वो मैनुअल स्केवेंजिंग पे हुआ था, और उसके बाद सरकार के साथ क्या हुआ आप समझते हैं। तो ये सारा खेल जो है उसको डीप में जाने की जरूरत है, उस खेल में क्या है, कौन खिलाड़ी है और क्यों, क्योंकि ये अगर आप अधिकार पूर्वक हो जाएंगे तो भाई मल कौन उठाएगा, आपकी सफाई कौन करेगा, सब अधिकार पूर्वक सभी जो है अपने आप को ये कह देंगे और सभी नौकरी पेशा और इंटरप्राइजेज में आ जाएंगे तो भाई हमारे नाले साफ कौन करेगा, तो ये डर है। तो जहां आज जो है विश्व में उच्च टेक्नोलॉजी से कार्य हो रहा, और माननीय मंत्री जी हमारे यहाँ बीच में बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि पंजाब में आप शुरुआत कीजिए, अगर इस तरह का कार्य है तो उनको आधुनिक सेफ्टी टैंक दीजिए, उनको जो है उसमें और उन्हीं को मिले ठेके भी उन्हीं को मिले, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनमें भी खेल होता है। आज जो है सुलभ शौचालय का काम जो है आपका समाज का आदमी नहीं चला रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको अनथा न ले, जिसके अंदर प्रतिभा भी तो बनवाई जाती है, कई बार ऐसे नहीं है कि प्रतिभा जन्मजात होती है, प्रतिभा बनवाई भी जाती है। तो ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि हमें इकोनॉमिक फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, साइकोलॉजिकल और हमारे जो एस्पेक्ट्स है उनमें हम जो है भरपूर ये करें, और समाज के जो जो और तबके हैं उनके साथ अगर लाइन छापी हुई है तो उनके लिए भी हम लड़ें। ये ना हो कि हम अपनी अपनी लड़ाई करते करते समाज के दूसरे अंग हैं उनकी लड़ाई को हम भुला दें, वो भी हमारे ही साथी हैं, वो भी उनको भी हमने इनकॉर्पोरेट करना है। बाबा साहब अगर सिर्फ अपने ही समाज का सोचते होते, हमारे समाज की स्त्रियों का सोचते होते तो आज जो है स्त्रियां किस हालत में होती, क्या उनको बराबर वोटिंग राइट मिल जाता, क्या उनको काम के घंटों का अधिकार बराबर मिल जाता, क्या उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं बराबर मिल जाती, नहीं, क्योंकि बाबा साहब का माइंड ब्रॉड था और हमने उनसे, बाबा साहब ने जहां अपना विचार छोड़ा है उससे आगे बढ़ना है। हम क्या कर रहे हैं कि बाबा साहब के जो दिए हुए विचार है उसी में ही लड़ रहे हैं, हमने उनसे आगे अपने विचार को बढ़ाना है। हमने सिर्फ इसलिए नहीं कि हम फोटो लगा लेंगे, जयंती बना लेंगे, उसी में काम नहीं चलेगा। प्लीज माफ करना, मैं थोड़ा अलग टाइप से सोचता हूँ इसमें। मैं ये समझता हूँ कि काम जो हो वो ठोस हो। बाबा साहब जी ने कहा था कि मेरी मूर्तियां बनाने से बेहतर है कि विचार जो है और न्याय जो है, समानता जो है आगे बढ़े। बिल्कुल, हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने की बजाय उनको जानने की जरूरत है, उनको पढ़ने की जरूरत है, उनके विजन को समझने की जरूरत है। मैं तमाम दर्शकों से एक बात ये बताना चाहती हूँ कि हमारे स्वच्छकर समाज की आवाज पेज से कुछ क्वेश्चन आप सबके लिए आए हैं। क्वेश्चन ज्यादा है तो इसलिए मैं सबको नहीं कवर कर सकती यहाँ, क्योंकि मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है, जबकि हमारा टाइम हो चुका है। ये 1 घंटे का एपिसोड मुझे परमिशन दिया गया था, लेकिन मैं रंजीत बोध जी से दोबारा परमिशन लेके 10 मिनट मैंने आपके लिए लास्ट सवाल के लिए आप लोगों से चाहे हैं, और तमाम क्योंकि दर्शक लगातार हम सबको सुन रहे हैं, वो सवाल आप लोगों को भेज रहे हैं,
एक सवाल जो कॉमन जो लगातार सबका आ रहा है वो मैं सबसे एक बार पूछना चाहती हूँ बहुत संक्षिप्त में, ताकि हम इसको फिर आज की चर्चा को बाइंड अप करें। वो ये राजेश वैद्य जी से शुरुआत करेंगे, बल्कि संक्षेप में चाहेंगे दो दो मिनट, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है। मेरे पास ऑडियंस की तरफ से ये सवाल आया है कि आपके जो पैनलिस्ट हैं वो बताएं कि क्या एससी में क्रिमिलेयर होना चाहिए या नहीं। तमाम आप पैनलिस्ट से मेरा अनुरोध है कि बहुत संक्षेप में अपनी बात उन तक पहुंचाएं कि रिजर्वेशन में क्रिमिलेयर होना चाहिए एससी में या नहीं। डॉक्टर प्रेमचंद जी से शुरुआत करते हैं, उन्होंने हाथ खड़ा किया। आप सब अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए, सब अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। जी जी प्रेमचंद, मैं मैडम एक मिनट लूंगा। पहली बात ये है कि आपने क्रिमिलेयर का क्राइटेरिया क्या रखा? क्या क्रिमिलेयर बनाने का सिर्फ हमको नौकरी मिल गया और क्रिमिलेयर हो गए, ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ। क्या भारत सरकार ने इस तरह का कोई सर्वे करवाया है कि अचीज में कितने जो है लोग जो है क्रिमिलेयर हो गए? ऐसा तो कोई आज तक जो है सर्वे नहीं कराया गया। उन्होंने तो जो है ओबीसी का ही नहीं कराया, अच्छी का तो छोड़ दीजिए। तो पहली बात मैं बीच में आपको एक बार तोड़ती हूँ, आप ऐड कर दीजिए, आप ऐड कीजिए इसमें जवाब के रूप में। मेरा पर्सनल आपसे पर्सनल सवाल ये है कि अगर क्रिमिलेयर नहीं है आप क्या चाहते हैं, कैसे रिजर्वेशन आपका फ्रेमवर्क क्या है, उसके ऊपर भी आप दो मिनट बोलेंगे। प्रेमचंद सर मैं ये चाहता हूँ कि जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन जो है इनकॉर्पोरेट करे सभी जो एससी की जो जातियां हैं उनको इनकॉर्पोरेट करे। और रही बात कि उसमें कहीं अगर आपको ये लगता है कि इसमें जो है वो छूट गया है, हमारे समाज के आशिये में कुछ लोग छूट गए हैं, तो उनको इनकॉर्पोरेट करने की जिम्मेदारी समाज के लोगों के ऊपर छोड़नी चाहिए। मैं इस बात की गहराई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूना पैक्ट हुआ था बाबा साहब के साथ, तो उस पूना पैक्ट के ऊपर हम बोल लेते हैं, उसके डीप में नहीं जाते। मैं आपको बता दूं पूना पैक्ट में तीन जो जिन्होंने सिग्नेचर किए थे मेरे ख्याल से हमारे में से अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है। और रही बात क्योंकि उन्होंने कहा था कि समाज की जो गंदगी है वो हम दूर करेंगे, तो आज वो पूछने वाले कौन है कि हम क्रिमिलेयर है या नहीं है, वो हम निर्धारित करेंगे न कि वो निर्धारित करेंगे। हमें ये जो पुन्ना पैक्ट से जो कारवा चला रहा है वो आर दे टू डिसाइड, क्या वो पुन्ना पैक्ट की पोजीशन में चले जाएंगे? क्या भारत पाकिस्तान की जो डिमांड हो रही थी उस समय और अंग्रेजों ने कहा था कि बाबा साहब आप बताइए आप क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा मैं भारत के साथ रहूंगा, लेकिन भारतीय समाज क्या कर रहा है? भारतीय समाज आज ये मांगने लग गया कि तुम ऐसे रहो तुम वैसे रहो। आज भारतीय समाज को क्या करना चाहिए? हमारे जो मजदूर मर रहे हैं वो सारे हमारे समाज के लोग मर रहे हैं, क्या हालत हो गई है? तो जवाब तो देना बनता है ना कि क्या आज वो इस लेवल पे आ गए हैं कि आपको रिजर्वेशन देना है नहीं लेना है, देना है क्रिमिलेयर है नहीं है, तो प्लीज माफ कीजिएगा। रिजर्वेशन वो हमारा मौलिक राइट है, वो नहीं छूटेगा। रही बात हमारी प्रतिभा दबी नहीं है, हमारे प्रतिभावान लोग जो है पूरे वर्ल्ड में है और हम भी भेद नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं भारत आगे बढ़े तरक्की करे और भारत माता जो है वो मजबूत, हम ये चाहते हैं। ये लड़ाई हमारी है, समाज में समानता है, उसमें बुराई क्या है? जी, देव कुमार जी दो मिनट आपके लिए है, आप मुझे सीधा संक्षेप में जवाब दीजिए। देव कुमार जी बिल्कुल देखिए, जो क्रिमिलेयर की बात आई है अगर ये हमारी तरफ से डिमांड हो, अगर हम लोगों में ये बात पैदा हो खुद। देव कुमार जी आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। आया देव कुमार जी आप मुझे स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहे, वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। ऑन है जी, हाँ जी जी आप ठीक है जी बोलिए। जी जी बिल्कुल, जो ये क्रीमी लेयर की बात आई है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आई थिंक देव कुमार जी के उसमें प्रॉब्लम आ रही है कुछ, शायद लेफ्ट करके वो दोबारा रिजॉइन करेंगे। प्रोफेसर राजेश वैद्य जी आपका इसमें क्या मानना है? देखिए सबसे पहले ये जाना जरूरी है, देव कुमार जी मैं आपके पास दोबारा फिर से आती हूँ थोड़ी देर में। राजेश का जो
आरक्षण जो हमें दिया गया है उसका आर्थिक आधार कभी भी नहीं रहा। आरक्षण की जो सुविधा मिली है वो उस समाज को मिली है जिसने सामाजिक बहिष्कार का दंश झेला है, दुख सहा है। तो ये तो प्रारंभ में ही ये क्लियर हो गया था कि रिजर्वेशन का आधार आर्थिक नहीं हो सकता, उन्हीं जातियों को मिलेगा जिन्होंने सामाजिक बहिष्कार को झेला है। नंबर एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है पवार जी कि आज भी हमारे देश के अंदर जो दलित दिग्गज नेता है वो आज भी आरक्षित सीटों से लड़ते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या हमारे जो नेता है, बड़े बड़े नेता जो तीन तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के, वो भी आरक्षित वर्ग से चुनाव लड़ते हैं। तो मैं समझता हूं जिस दिन दूसरे जो लोग ये कहते हैं कि क्रिमिनल होना चाहिए, जब हमारे समाज के दिग्गज लोग जिस दिन ये जनरल सामान्य वर्ग से जीत कर आने लगेंगे तो हम इस पर विचार करेंगे, अन्यथा जब तक ऐसा संभव नहीं है, समाज ऐसी व्यवस्था नहीं करता, तब तक आरक्षण में ये जो क्रिमिनल है शेड्यूल कास्ट में खासतौर से जिन्होंने सामाजिक बहिष्कार का दंश झेला है, तो ये मैं समझता हूं कि अभी ये मिथ्या है। इस पे मुझे लगता है नहीं है कि हमें ज्यादा चर्चा का हिस्सा बनना चाहिए। जी देव कुमार जी, मैं दोबारा फिर से आपके पास आती हूँ। देव कुमार जी जी, लास्ट टिप्पणी मुझे चाहिए आपकी तरफ से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात जो क्रीमिलियर की कोर्ट के द्वारा कही जा रही है या सामंती ताकतों द्वारा की जा रही है, जबरदस्ती हमारे ऊपर क्रीमिलियर जैसी चीज लादी जा रही है, हम इसको कतई मानेंगे नहीं। ये तो हमारे अंदर स्वयं में उत्पन्न होना चाहिए कि क्या हमारे अंदर वो जगह है कि हमारा जो तबका छूटा हुआ है, हम जो भाई रह गए हैं, हम उनको क्या अवसर खुद देना चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि आरक्षण का आधार कभी भी आर्थिक नहीं रहा है, आरक्षण का आधार सामाजिक बहिष्कार रहा है। अगर हम सामाजिक बहिष्कार की दृष्टि से भी देखें तो सफाई कर्मचारी जो समाज है वो दलितों में भी बहिष्कृत है, दलितों में भी बहिष्कृत है। मुझे लगता है कि जो जो भी दलित जातियां या ये दलित जातियों के वो लोग जो संपन्न हो गए हैं, मुझे लगता है उन्हें स्पेस देना चाहिए उन जातियों को आगे लाने के लिए जिनको अभी तक मौका नहीं मिल पाया। जी डॉक्टर प्रेमचंद जी कुछ कहना चाहते हैं। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हमारी संपन्नता सिर्फ नौकरी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या कॉर्पोरेट घराने हैं आपके पास, है कोई टेल मी? मेरे आपके पास अगर जवाब है तो आप कॉर्पोरेट घरानों के नाम बता दीजिए जो आपके दलित समाज के किसी भाई बहन के पास। बताओ जिसका 1,000 करोड़ का टर्नओवर हो, है हमारे कई बुद्धिजीवी यहाँ पर बैठे हैं, 1,000 करोड़ के टर्नओवर का कोई कॉर्पोरेट घराना आपके बहुत भाई बहन के पास है क्या? टेल मी, नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है इस रिजर्वेशन को 9वीं संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवाइए इसको। ये बार बार छेड़खानी की जा रही है। हम जब रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे थे तब भी हमने बार बार आग्रह किया था कि इसको जो है रिजर्वेशन को 9वीं शेड्यूल में डाला जाए, लेकिन जो है वर्तमान सरकार ने इसको नकार दिया। लेकिन अब भी जो है समय है। खैर अभी तो हमारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है और हम भारत में लड़ भी रहे हैं, लेकिन जब भी हालात सामान्य होंगे तो हमने ये मुहिम जरूर चलानी है कि एक तो प्राइवेट सेक्टर में कॉर्पोरेट हाउसिंग में हमारा रिजर्वेशन हो, बोर्ड ऑफ गवर्निंग बॉडीज में हमारा जो है प्रेजेंटेशन होना चाहिए आबादी के अनुपात। दूसरी बात, संविधान की अनुसूची में 9वीं अनुसूची में हमारा, और ये मैंडेटरी होना चाहिए, ये संविधान की अनुसूची 9वीं अनुसूची में इनको बढ़ा दें। अगर इसके लिए अगर हम मुहिम चलाते हैं तो ये मैं ये समझता हूँ ये कामयाब होगी। जी रिचा जी कुछ कहना चाहती हैं। रिचा जी अनम्यूट कीजिए, रिचा जी अनम्यूट कीजिए। जी जी हाँ डॉक्टर रिचा, मेरा ये मानना है कि जी धन्यवाद। मुझे प्रोफेसर वैद की बहुत एक अच्छी बात लगी जब उन्होंने बोला कि रिजर्वेशन जो है वैदिक टाइम से ही लागू हुआ है, बस ये है कि वो दूसरी सवर्ण जातियों के लिए लागू हुआ था। वो बहुत सही बात बोली उन्होंने। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि ये जो सवाल है कि क्रीमी लेयर होना चाहिए या नहीं चाहिए,
ये बजाय इसके कि दलित वर्ग के बाहर की किसी भी सोशल ग्रुप से आए, ये दलित वर्ग के अंदर से आना चाहिए, स्पेशली वो जातियां जिन जिन तक, जैसे कि देव कुमार देव साहब ने भी बोला कि जो और वर्के साहब ने भी बोला कि जो दलितों में भी दलित हैं और जो पिछड़ों में भी पिछड़े हैं, उन लोगों का क्या मानना है। तो बजाय इसके कि एक स्टेट पॉलिसी के थ्रू आए, ये एक जो नब्ज है जो पिछड़ों से भी पिछड़े लोगों की, वो लोग क्या समझते हैं कि क्या उनको जो सारे बेनिफिट्स हैं रिजर्वेशन के, वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वो उनकी तरफ से आना चाहिए। ये एक बात है। दूसरी ये बात है कि जब हम क्रीमी लेयर की बात करते हैं या रिजर्वेशन की बात करते हैं, जब रिजर्वेशन लागू हुआ, ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव अफर्मेटिव एक इनेबलिंग इंस्ट्रूमेंट था, जिससे कि वो लोग जो इतने समय से प्रताड़ित, सोशली सामाजिक रूप से प्रताड़ित रहे हैं, वो जो मार्जिनलाइज हो गए थे, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, एम्पावरमेंट हर तरीके का, जैसे बाबा साहब ने भी कहा कि हर तरीके का एम्पावरमेंट मिलना चाहिए। लेकिन इस ये सबको हमें एक लार्जर क्वेश्चन में देखना चाहिए, और वो क्वेश्चन है जातिवाद का या कास्ट सिस्टम का। क्या हमें एक सामाजिक सुधार के तौर पे भी नहीं सोचना चाहिए? रिप्रेजेंटेशन जरूरी है एम्पावरमेंट के लिए, राजनीति में या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में या एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल जरूरी है। और प्रेमचंद साहब ने भी बहुत सही बोला कि हर इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए दलित समाज का। बट इसके साथ ही साथ क्या हम लोगों को क्या एक बड़ा क्वेश्चन नहीं सोचना चाहिए कि हम भारत से ही जातिवाद का खात्मा कर सके, कास्ट सिस्टम खत्म कर सके, जैसे कि यूएसए में जब बहुत स्लेवरी बढ़िया, अबॉलिश हुई थी और सिविल राइट्स दिए गए थे। तो क्या जैसे आप बोला कि हमें भले ही आर्थिक पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्थिक संपन्नता भले ही मिल जाए, लेकिन क्या उन्हें वो उनको पोजीशन मिलती है क्या समाज में? क्या वो इंटरमैरी कर सकते हैं? क्या वो सवर्ण जाति के लोगों के साथ खुले तरीके से क्या इंटरमैरिज हो सकती है भारत में रिजर्वेशन होने के बावजूद भी? तो इसका आंसर ये है कि नहीं, नहीं हो सकती, क्योंकि वो समानता सामाजिक तौर से नहीं आई है, और वो सामाजिक तौर से समानता तब तक नहीं आएगी जब तक कि जैसे कि स्लेवरी सॉरी या अपार्टहाइड यूएसए में अबॉलिश हुआ था, वैसे ही कास्ट सिस्टम भी अबॉलिश ना हो जाए। अदरवाइज क्या होगा कि कास्ट की कैटेगरीज फॉरएवर फ्रीज हो जाएंगी इंडिया में, है ना। जैसे कि निकोलस डर्क्स ने, रोनल्ड इंडल ने भी बहुत, इंजन ने भी बहुत अच्छी बात की है कि जब सेंसस स्टार्ट हुआ तो अंग्रेजी सरकार ने बात की, जब मूल्यांकन करना शुरू किया पॉपुलेशन का, तो वो कास्ट की कैटेगरी में भी हुआ। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने कास्ट इन्वेंट करी, कास्ट तो पहले से ही था कास्ट सिस्टम, लेकिन उसके साथ ही साथ ये एकदम सामने आ गया कि कौन सी कास्ट को कितने ज्यादा रिसोर्सेस एक्सेसिबिलिटी है और कौन सी कास्ट को कितने कम एक्सेसिबिलिटी है। तो उससे हमेशा के लिए ये जो कास्ट इश्यू है ये फ्रीज हो गया। तो एक क्वेश्चन, एक मेरा ये इंटरनल क्रिटिक है रिजर्वेशन का भी, कि हाँ बहुत अच्छा है रिजर्वेशन होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन, लेकिन क्या हम एक लार्जर इश्यू को नकार रहे हैं, और वो है कास्ट सिस्टम। क्या हमें सामाजिक बराबरी के लिए कास्ट सिस्टम को ही निकाल के उखाड़ के फेंक देने की जरूरत नहीं है भारत में? ये एक बात है। और सेकेंड, एक गांधीयन होने के नाते मैं जरूर डॉक्टर जस्ट रिचा एक चीज बस बस लास्ट हाँ जी हाँ बस एक बार बस कि गांधी जो है वो दलितों के खिलाफ नहीं थे, जो उन्होंने अपोज किया था कम्युनल अवार्ड 1932, वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स अपोज किया था, ना कि रिजर्वेशन। सेपरेट इलेक्टोरेट्स बहुत ही एक अलग तरीके का वो था इंस्टीट्यूशन या टूल जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किया था, और रिजर्वेशन जो है वो बहुत ही अलग। काश और टाइम होता हम इस पे बातचीत कर सकते, किसी और दिन आपसे इसके लेकिन मैं ऊपर भी बात फिर करेंगे। हाँ, अभी डॉक्टर राजकुमार वीरका जी, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, आप लास्ट कमेंट पूरे के पूरी डिबेट पे। जी डॉक्टर राजकुमार वीरका जी। है कि तो आप इस बात का है कि क्रीमी लेयर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि ये एक साजिश का शब्द है जिसे हम क्रीमी लेयर बोलते हैं, और ये उन लोगों का मन गढ़ंत शब्द है जो इन गुटों को बाबा साहब अंबेडकर की सोच को बांटना चाहते हैं। ये उन लोगों की साजिश है,
और बाबा साहब अंबेडकर ने संघर्ष कही थी, लेकिन हैरानगी इस बात की है कि हम बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते, ये कैसा तरीका है। लेकिन हम एक बिल्कुल 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 देखिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी भागीदारी है, हाई कोर्ट में भागीदारी हमारे पास, हमारी क्या भागीदारी है, आईएएस में हमारी क्या भागीदारी है, जमीन होल्डिंग में हमारी क्या भागीदारी है, कारखानों में हमारी क्या भागीदारी है। अरे भैया आप लोग बहुत पिछड़े हुए हो, साजिश का शिकार मत होना, यहाँ तक क्रीमी लेयर की बात है, आपस में बैठ के बात कर लो कि जो पिछड़ गया है उसे आगे आने दो। जब तक आप इकट्ठे बैठ करके बाबा साहब की बात नहीं सुनेंगे तब तक आप के ऊपर साजिश होती रहेगी। ये साजिश से बचना है तो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर बात करो, जो पीछे रह गया है उसे आगे आने का मौका दो। जी थैंक यू सो मच। मेरे पास इस टाइम हालांकि ये डिबेट बहुत जीवंत थी, मैं चाहती थी कि और भी सवाल इसके ऊपर है, ढेर सारे सवाल हमारे फेसबुक पेज की तरफ से है स्वच्छकार समाज की आवाज, आप लोग उसको शेयर करें, लाइक करें और उसकी तमाम डिबेट्स को सुने। मैं यहाँ मेरे पास बार बार लगातार आ रहा है कि आप इसको समाप्त कीजिए, हम टाइमिंग आउट से ज्यादा आउट हो चुके हैं। मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया करती हूँ, डॉक्टर राजकुमार वेरका जी, डॉक्टर ऋचा राज जी, डॉक्टर प्रेमचंद जी, प्रोफेसर राजेश वैद्य जी और देव कुमार जी, तमाम पैनलिस्ट का स्वच्छकार समाज की आवाज की तरफ से, ग्लोबल एम्बेडक्राइज की तरफ से, और तमाम जो हम सब जो बुद्धिजीवी हैं, मेरे दर्शक, मेरे श्रोता और हम सब बहन चारा सबकी तरफ से मैं आप सबका बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।